एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद पब्लिक दरबार के लिए कल पुंछ वारिद हुए थे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन्होंने बहुत सारे मामलात सुने, जेरे गौर लाए और साथ ही साथ अंडर कंस्ट्रक्शन मिनी सेक्रेटरीट बिल्डिंग का दौरा भी किया, वहां जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरीट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसका काम सालों पहले शुरू हुआ था, लेकिन बहुत सारी वजूहात के बिना पर अब तक ये मुकम्मल नहीं हो सका है। एक वजह उनमें से इनकाउंटर भी है, एक इनकाउंटर यहां हुआ था जिस वजह से इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ था, और अभी भी ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और दिगर जो ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं। खुद एजाज असद जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट सिविल एविएशन है, उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त से समझा जा रहा था कि ये जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे और उन इश्यूज को अब रिजॉल्व कर लिया गया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग की गई है, इसके लिए जो फंड्स हैं वो 6.9 करोड़ रुपए दरकार हैं, जिसके लिए बात की गई है और बहुत जल्द ही ये फंड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला पुंछ में या जो कोई भी जिला हो उसकी शनाख्त जो है वो मिनी सेक्रेटरीट होती है, लिहाजा जरूरत इस बात की है कि इस बिल्डिंग को भी बहुत जल्द मुकम्मल किया जाए, और काविशें की जा रही हैं कि बहुत जल्द इस बिल्डिंग को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। इनके साथ डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एडीसी पुंछ और दिगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं वो भी मौजूद थे। सेक्रेटरीट की जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इसमें काफ़ी टाइम से ये समझा जा रहा था कि कंप्लीट हो जाएगी, तो कुछ इश्यूज थे इसमें जिनको अब लगभग रेजोल्यूशन की तरफ ले जाया गया है। डीसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग में मैं भी था, डीसी साहब भी रहे उसमें, तो उस जो इश्यूज इसमें हैं बैलेंस, इसमें जो पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, जो फंडिंग है उसके लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमने बात कर ली है, तो बैलेंस जो फंड्स हैं वो लगभग 6.90 करोड़ के आसपास इसमें रिक्वायर्ड है, तो वो फंड्स प्रोवाइड हो जाएंगे जल्दी ही। मिनी सेक्रेटरीट किसी भी ज़िले की एक शिनाख्त है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के सेटअप में एडमिनिस्ट्रेटिव आर्किटेक्चर का अगर कोई बुनियाद है तो वो मिनी सेक्रेटरीट का होना ज़िले में, इसलिए ये काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस पर खुशी ध्यान अब दिया जा रहा है और इसको हम पाए तकमील तक जल्दी पहुँचा रहे हैं। सरकार ने इससे पहले ये वाला